अब तू खड़ा हो बहुत जल्दी, अगर जीत चाहो तो। तो अर्जुन लेके आए भीष्म के डेरा में, पूरी रात जेई खाट बनते बिना रस्सी की। पितामह ने की कहो अब की कैसे आयो। अर्जुन कह रहे हैं कि पितामह क्या तो फैसला कर दो लड़ाई को, ओ क्या फिर तुम लड़वा बंद कर दो इन कू तो बहुत हम तुम हट जाओ बीच में। तो देखिए क्या जवाब है पितामह भीष्म का महाभारत में कि दुर्योधन आज बेटा समझ ली अर्जुन आज समझ ली हमने कि जा पुरखा ते जाके परिवार जन दुखी है यहाँ बात मत जानो चाहिए। सो कन्हैया ने सारो दे दो अर्जुन है कि पूछिए कैसे मरोए। तो पार्थ कह रहे तो फिर बाबा मरोए कैसे। अर्जुन बेटा तुझे नहीं बताऊंगा, मेरा ये प्रण है कि जो हस्तिनापुर का राजा होगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज बना होगा उसे काल बताऊंगा अपना। अर्जुन ने की कन्हैया वो ताज तो दुर्योधन पे, दुर्योधन माने। तो भगवान कन्हैया ने रात में ही कही कि अर्जुन जल्दी आ लेकर के मेरे संग बहुत जल्दी। तो रात में भगवान अर्जुन को लेकर के दुर्योधन के डेरा में पहुंचे और दुर्योधन ने बड़े आदर से बैठाया। ये लड़ाई थी पहले ऐसी लड़ाई थी कि बड़े आदर से बैठाया, आइए महाराज आज कैसे आए रात में दोनों। अर्जुन ने कही भैया दुर्योधन तुम्हारे ऊपर हमारा एक एहसान है, जिस दिन चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था वन में और तब मैं वनवास भोग रहा था, तो उस दिन चित्रसेन को हरा कर और मैंने तुम्हारी कैद छुड़ाई थी। बाद में तुमने मुझे एक बात कही कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कछु मांग ले, तो मैंने ये कह दिया था कि भैया आज नहीं मांगूंगा, कल दिन जरूरत पड़ी तब फिर मांग लूंगा, तो आज मांग रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अपने जा राज मुकुट दे दो मुझे। उतार के तुरंत ही दुर्योधन ने दे दिया कर ले लो और जो कहया कि अभी लौटा जाएंगे ज्यादा जरूरत ही ना। जैसे उस मुकुट को लेकर के आए भगवान कन्हैया ने अर्जुन को पहनाया है और जब अर्जुन पितामह के सामने खड़े हुए तब कही पितामह अब नजर भर के देखो कि मैं इस समय कौन हूं। पितामह समझ गए मुस्काए कन्हैया इस समय अर्जुन मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है, तो हस्तिनापुर का राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए, कितना कपट कर रहे हैं रात में। तो उस समय पितामह भीष्म अकेले वही नर और नारायण है दोनों अर्जुन और कृष्ण उनके सामने अपना काल बता रहे हैं रात में। कैसे बताया सोने पारत धरि ध्यान अरे समर की गढ़ी जाई झंडी है सवेरे तो एक काम कर ली कौन सा अरे समर जब कर रखो जब सम्मुख धरी लई है
से रथ पर रख के लाना सामने और पा देख के मैं हत्या डाल दूं, उतनी देर में मार देना, मार देना अर्जुन। और सुन, जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तब तक तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो और हजारों तेरे रथवान कन्हैया हो, जब तक हाथ में हथियार रहेगा तब तक दुनिया में मुझे कोई मारने वाला नहीं। हो नहार सो है की मिटती मन मोह मन में मुसिकाए, झलकी नींद बनाई रही इनने, मेकन दला हृदय में लाए, नर नारायण दोनों तन दर रात में काल पूछ के रखना। ऐसे ऐसे वीर रण भूमि में हो गए क्या लड़ रहे हैं जालंग और काल बता रहे हैं बालंग। अरे दुर्योधन तू जीत कैसे जाता, ध्यान रखना। पर एक चीज थी, बिना कारण झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे बिना कारण। जो नीत थी वो सत्य की सत्य बता दी, काल को छिपाया नहीं। सोता बंधु, पर आज आज तो यज्ञपति महाराज बिना कारण झूठ बोलो जा रहे हो। और सबसे ज्यादा झूठ बोलने की मशीन कौन सी बनी है मालूम है? मोबाइल, जिस सबसे बड़ी मशीन है झूठ बोलने की। तुम काउ कारण पर रिश्तेदार है बुलाओ, रिश्तेदार बास में बैठावा पे हो, तुम क्या कहेंगे कि चिंता मत करो सुखो आबाद आ गए, नेक देरी बात है। सब झूठ बोलते हैं मोबाइल पे, लेकिन झूठ बोलवे के हद होते। एक बार जे अंगद दारा सिंह और लाखन सिंह प्रधान जी जो तीनों जने गए सो एक नदी पर ठाड़े रहे, सो नदिया में पानी गहरो बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले कही अंगद सिंह ने, प्रधान जी सुनते ना हम।